जय हिंद दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आप लोगों को कंप्लीट करेंगे नरेशन का ये पार्ट टू वीडियो, जो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि इससे आप लोग के एग्जाम में जो है बिहार सिविल कोड की बात करें तो इससे दो तीन क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद जैसे कि आप लोग को बिहार सीजीएल की बात, जय हिंद दोस्तों, आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे नरेशन का ये पार्ट टू वीडियो, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें जैसे इससे पहले जो है पार्ट वन वीडियो कंप्लीट हो चुका है, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसमें हम आप लोग को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे असर्टिव सेंटेंस। इससे पहले आप लोग को पूरा बेसिक कंसेप्ट जो होता है नरेशन का, जिसमें आप लोग को मास्टर रूल, जेनरल रूल और स्पेशल रूल जो होता है उसको कंप्लीट हम पढ़ा दिए हैं। उसको आप नहीं देखें तो जाकर उसको जरूर देख लीजिएगा। आज से यहाँ पर हम आप लोग को जो कंप्लीट करेंगे इसमें असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक है। ये नरेशन का जो पांच प्रकार होता है, इसी से रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और इसी में सभी क्वेश्चन को इसमें आप लोग को कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस के बारे में हम बताएंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव पे आएंगे, इसी तरीके से सभी टॉपिक को यहाँ पे क्लियर करते हुए चलेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे यहाँ पे जो भी अपडेट होगा सरकारी एग्जाम से लेकर के, या आप यहां से तैयारी करना चाहें तो आप ही बेहतर रूप से यहां से तैयारी कर पाए। तो एक एक चलिए यहां पे एक एक करके सभी कॉन्सेप्ट को यहां पे हम लोग सीखते हैं। तो यहां पे एक नंबर जो होगा असर्टिव सेंटेंस, देखिए असर्टिव सेंटेंस जो होता है इसका जो पहचान होता है, इसका जो अगर हम पहचान करें तो ये फुल स्टॉप से होगा, ठीक है। इसका पहचान फुल स्टॉप से होता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि हम बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर का, तो इसमें जो स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद कोमा, इन्वर्टेड कोमा, फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस उसके बाद वर्ब प्लस अदर वर्ड होगा, ठीक है। ये आपका फुल स्टॉप रहता है। अब इसमें आप लोग देख पा रहे हैं ये आपका स्ट्रक्चर होता है असर्टिव का, ठीक है ना। तो इसमें आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो यहाँ पे आप लोग को दिया गया ये जो होता है ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है। ये चीज़ कल आप लोग को इस वीडियो में बता दिए हैं, ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को मास्टर रूल, जेनरल रूल, स्पेशल रूल, ये सारे चीज़ बता दिया गया है, ठीक है ना। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, ये आपका होता है रिपोर्टेड स्पीच होता है, ठीक है। और पूरे सेंटेंस की बात करें तो ये डायरेक्ट स्पीच होता है। ये कोमा, इन्वर्टेड कोमा जो होता है इसके लिए जो हम लोग प्रयोग करते हैं यहाँ पे डेट का प्रयोग करते हैं, किसका जी, ये डेट का प्रयोग कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग को से रहता है, सेज रहता है और सैड रहता है। इस चीज़ को हम लोग चेंज कर लेते हैं, इसको हम लोग चेंज करते हैं जो आपको टेल में, टेल्स में, टोल्ड में, ये बदल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ये जो है, जैसे कि ये जो है अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन रहता है, फर्स्ट पर्सन में आपका आई और वी होता है, ठीक है, आई और वी होता है। ये आपका सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन में जो होता है यू होता है, और थर्ड पर्सन जो होता है इसमें आपका ही हो गया, सी हो गया, ईट हो गया और नाम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे कि पर्सन को हम कैसे बदलेंगे वो भी यहाँ पे आप लोग सीख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे जब फर्स्ट पर्सन दिया जाएगा, ये फर्स्ट पर्सन जब दिया जाएगा तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी इसको सब्जेक्ट के अनुसार इसका चेंज कीजिएगा, ठीक है। जब भी आपको रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी, जब भी आपको रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी फर्स्ट पर्सन देखने को मिले तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट के अनुसार उसको हम चेंज करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेकंड पर्सन यू दिया, तो जब भी आपको सेकंड पर्सन यू देगा ना तो इसको हम लोग क्या करेंगे रिपोर्टेड स्पीच में, इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसका हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। तो जब आपको सब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन देगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सेकेंड पर्सन देगा तो इसको रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, लेकिन जब आपको यहाँ पर थर्ड पर्सन देगा तो इधर इसका कोई चेंजिंग नहीं होता है, यानी नो चेंज होगा, ठीक है। तो पर्सन में दो ही पर्सन को चेंज किया जाता है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे जैसे कि इसमें हम लोग का ये मेन स्ट्रक्चर है, इसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे, इस पर एक एग्जांपल को भी क्लियर कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा जाएगा कि ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा यू आर रेडी या यू आर माई फ्रेंड। देखिए तो ये जो है आप लोग को जो दिया गया है
ये क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो इसको हम लोग बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे ये बनेगा कैसे, तो ये जो है जैसे कि कॉमा इनवर्टेड कॉमा है, यहाँ पे ये कॉमा इनवर्टेड कॉमा है, जैसे आप लोग को स्ट्रक्चर दिया है वैसे ही क्वेश्चन का स्ट्रक्चर भी होगा, ठीक है। और ये कॉमा इनवर्टेड कॉमा हो गया, ये आपका सेकेंड पर्सन हो गया, सेकेंड पर्सन हो गया, ये आपका फर्स्ट पर्सन हो गया, ठीक है, फर्स्ट पर्सन हो गया, तो ये फर्स्ट पर्सन है और ये सेकेंड पर्सन है, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे जब सेकेंड पर्सन रहेगा तो इसको ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलाव करना होगा, अगर फर्स्ट पर्सन रहेगा तो इसको सब्जेक्ट के अनुसार बदलाव करना होगा, ठीक है। कहीं भी आप लोग को रिपोर्टिंग, ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ये रिपोर्टेड स्पीच होता है, तो रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी फर्स्ट और सेकंड पर्सन दिया जाएगा ना, तो फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार बदलिए, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलिए, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे एग्जांपल को जो दिया गया इसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो ही टोल्ड हो जाएगा, ही टोल्ड मी डैट, ठीक है, ही टोल्ड मी डैट, उसके बाद कॉमा इनवर्टेड कॉमा के लिए ही डैट लगा है। अब ये सेकंड पर्सन इसके पास आएगा तो ये बन के जाएगा सब्जेक्ट, तो आई हो जाएगा, आई वॉज। अब देखिए सैड टोल्ड में बदला है तो इज एम आर वॉज में बदल जाता है, तो आई वॉज, ये माई जो है इसके पास आएगा ही के पास तो ये बन के जाएगा हीज, ठीक है, हीज, तब क्या हो जाएगा फ्रेंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीका से आप ऐसे सेंटेंस को आसानी से बना पाएंगे। अब देखिए अगला स्ट्रक्चर जो है जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, देखिए वीडियो आप लोग को पूरा समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करते चलिए, जिससे आप लोग को यहाँ पे जो है पूरा समझ में आए और हमको भी ये सब बनाने में मन लगे, ठीक है। बहुत मेहनत लगता है ऐसे आप लोग को ये वीडियो बनाने में, तो आप लोग वीडियो को लाइक करते चलिए। और चलिए अगले जो है कंसेप्ट को यहाँ पर देखिए, जैसे कि आप लोग को अगला कंसेप्ट जो दिया गया है सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब हो गया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर आपका सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, अदर वर्ड हो गया। अब देखिए यहाँ पे जैसे दिया जाएगा, ठीक है, अगर आपको वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं मिले, टू और ऑब्जेक्ट नहीं मिले तो कैसे बनाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया, पूरा सेंटेंस बात करें डायरेक्ट स्पीच हो गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए सेम आपको डैट का प्रयोग करना होगा, ठीक है। ये अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन दे देता है, ठीक है, तो इसको हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार बदल लेते हैं, किसके अकॉर्डिंग, जी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन जब सेकंड पर्सन देगा तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं, अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन देगा इधर तो इसको कोई बदलाव नहीं करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं, यहाँ पर उसी तरीके से सेट देगा तो इसको हम लोग बदलेंगे नहीं, जब फर्स्ट पर्सन दिया जाएगा तब, ठीक है, फर्स्ट पर्सन रहेगा तो सेम ही रहने देंगे, जैसे कि एग्जाम्पल से आप लोग क्लियर कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा जाएगा ही सेज कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई एम गोइंग टू पटना, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, तो ये देख पा रहे हैं आप लोग कि ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, पूरा सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच है, तो इसको हम लोग बनाते हैं, तो ही हो जाएगा, ही सेज हो जाएगा, ठीक है, ही सेज डैट, ये फर्स्ट पर्सन है तो इसको सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा जी, तो ही इज गोइंग टू पटना, और ऐसे में इस तरीके से आप लोग को बनाना होगा जो असर्टिव सेंटेंस का ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद आप लोग देखेंगे तो इसमें एक यूनिवर्सल ट्रुथ सेंटेंस से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है, तो यूनिवर्सल ट्रुथ सेंटेंस जो होता है जैसे कि यहाँ पे देखेंगे यूनिवर्सल ट्रुथ सेंटेंस, ठीक है, UTS, ठीक है, तो यूनिवर्सल ट्रुथ सेंटेंस जो होता है इसमें जैसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे उसको यहाँ पर देखिए, जैसे क्वेश्चन रहेगा कि मोहन या ही सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन दिया तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ये सब यूनिवर्सल ट्रुथ सेंटेंस होता है, जैसे मोहन सेड टू मी टू एंड टू मैक्स फोर, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस जब आएंगे ना तो इसको बनाने के लिए जब हम लोग क्या करेंगे, तो ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है, ठीक है, सेंटेंस पूरा डायरेक्ट स्पीच हुआ, तो इसमें सिर्फ कॉमा इनवर्टेड कॉमा के पोजीशन पे डैट का यूज करना होता है, और इस सैड को किस में बदलना होता है, सिर्फ टोल्ड में, बाकी सब छाप दीजिए, ठीक है, जैसा दिया है वैसे ही छाप दीजिए, ठीक है। जैसे कि इसको हम बनाना चाहें तो ही हो जाएगा, ही टोल्ड मी हो गया, ठीक है, डैट हो गया, उसके बाद
ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन आसानी से बन पाते हैं। एक और एग्जांपल को आप लोग देखिए, जैसे कि क्वेश्चन दिया जाएगा कि मोहन सेड टू मी कोमा एंड बोटेड कोमा टू एंड टू मेक फोर मैक्स फोर। ठीक है, तो इसको आप लोग बनाइएगा तो सेम उसी तरीका से बनेगा। सिर्फ क्या करना है, तो इस कोमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए यहाँ पे डेट का प्रयोग कीजिए और इस सेड को सिर्फ टोल्ड में बदल लीजिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो है इसको छाप दीजिए, ये टू हट जाता है। ठीक है, उसके बाद इसको छाप दीजिए, आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीका से ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेड को टोल्ड में, आप देखिए यहाँ पे सेड को टोल्ड में पास्ट में बदल रहे, लेकिन यहाँ पे हम लोग नहीं बदलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जैसे इज है तो ये इजे में रहेगा, ऑनेस्टी इजे रहेगा, क्योंकि ये सेड टोल्ड में बदला है लेकिन ये प्रेजेंट में ही रहेगा क्योंकि यूनिवर्सल टू सेंटेंस है। ठीक है, इसको आप लोग को ध्यान देना है। यहाँ पे आप लोग को एग्जाम में दो ऑप्शन दिए जाएंगे, ही टोल्ड मी डेट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये सही होगा, लेकिन ये आपको दिया जाए कि ही टोल्ड मी डेट ऑनेस्टी वॉज बेस्ट पॉलिसी, वो गलत हो जाएगा क्योंकि यूनिवर्सल टू सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट में ही रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो आप लोग को यहाँ पे बताया गया असर्टिव सेंटेंस को, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरीका से जैसे कि पांच जो नरेशन के प्रकार होते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी, तो इन सभी में आप लोग को एक एक करके सभी वीडियो आप लोग को देखने को मिल जाएगा। इसमें आज इतना ही तक रहने देते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद अगले वीडियो में आप लोग को इंट्रोगेटिव इंपरेटिव कोशिश किया जाएगा पढ़ा देने का, और इन सभी वीडियो को आप लोग देखते हुए चलिए। आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बना के आइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।